इसके बाद महाराज ये दुर्योधन पहुंचा, कहा जहां कर्ण है और कर्ण किसका बेटा है आप सभी लोग ये भी जानते हैं। कर्ण के पास में जब दुर्योधन पहुंचा तो दुर्योधन ने कहा, हो कर्ण वीर से जाय के दुर्योधन समझा, पांच के पांच हैं मेरी सेना गई नसा। दुर्योधन बोला, ओ भैया चिंता विरथा में धा, तरह से भैया जब दुर्योधन ऐसा कहता है, उधर कर्ण ने ये कहा है कि मेरे पास पांच बाण गुरु परशुराम के हैं और मैं सत्य आपको बताना चाहता हूँ कि पांच बाण की वजह से अर्जुन बच नहीं पाएगा, अर्जुन मारा जाएगा, इतना कहा है। बड़ी खुशी हुई, कर्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मेरे पास पांच बाण हैं जिनसे अर्जुन को मैं मारूंगा, मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं सूर्य पुत्र कर्ण प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल कुरुक्षेत्र में हम अर्जुन को मारेंगे। चारों तरफ खबर फैल जाती है, बात वहीं पर घुमा फिरा के आ जाती है भैया कि जहाँ भगवान हो उसे मारने वाला कोई नहीं है। भगवान कृष्ण गए कुंती के पास और कुंती से जाकर के कहा है कि बुआ जी कल ब्रह्म मूर्ति में आप कर्ण के पास जाओ और पांच बाण दान में ले आओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया बुआ जी तो कल तुम्हारे अर्जुन नहीं बचेंगे। ये बात महाराज कृष्ण कुंती से कहते हैं और जिस समय ये कुंती जो हैं वह अपने कृष्ण की बात को सुनती हैं तो उसी समय यानी अगले दिन ब्रह्म मूर्ति में कर्ण के पास में जाती हैं। आप सभी लोगों को पता है कि कुंती का ही बेटा है कर्ण। अब आप देखिए आगे होता क्या है। कुंती मन ही मन में सोचती जा रही है, जिस बेटे को हमने कभी पैदा किया, जिस बेटे को हमने पैदा करके कभी संदूक में बंद करके नदिया में बहा दिया, आज हमें उसी बेटे के पास जाना पड़ रहा है। कुंती चली गई महाराज कर्ण के पास में। जब कुंती पहुंची है, आज कर्ण ने सिंहासन छोड़ दिया, माँ के चरणों पर लिपट गया। कर्ण ने कहा, माँ कैसे आना हुआ है? जिस समय कर्ण ने ऐसा कहा है कि माँ कैसे आना हुआ, कुंती ने एक बात कही है कि बेटा आज मैं एक भेद बताने तुम्हें आई हूँ। वह भेद केवल मैं जानती थी और मेरी माँ जानती थी, बाकी कोई तीसरा व्यक्ति इस बात को नहीं जानता था। कर्ण बात यह है कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। महाराज कुंती कहती है कर्ण से कि भेद छुपायो आज तक अब तुमको रही समझाए, कैसे जियो लाल तोए मोई कहत शर्म अब आए।
लली बाबू लगी अति प्यारी। नहीं जानते थे, सूर्य भगवान का मंत्र हमने पढ़ दिया, सूर्य भगवान प्रकट हुए और हमसे कहा कि कुछ मांग लीजिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बेटा जब वो गए तो हमसे ये कह के गए कि तुम्हारे गर्भ से हमारे जैसा ही तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। तुम हमारे गर्भ में आए, 9 महीने भेद छुपाया, इसके बाद भेद हम कैसे छुपा पाते। हमने तुमको पैदा किया, संदूक में बंद करके नदिया में बहा दिया। इतना कह करके माता शांत हो गई। कर्ण अपनी मैया को सुनता रहा, कर्ण अपनी माँ की बात को सुनता रहा और परीक्षित महाराज कर्ण की आंखों से आंसू छलकने लगे। कर्ण ने कहा कि माँ इसमें मेरा दोष क्या था, मेरी गलती क्या थी जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। कोई बात नहीं मैं, एक बात तुमसे मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन आप हमें मार देती तो कम से कम ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। तुमने हमें नदिया में इसलिए बहा दिया कि बेटा मर जाएगा, लेकिन माँ मैं मरा नहीं। मेरा संदूक बहते हुए जा रहा था तो अधीरथ उन्होंने मुझे निकाला। वही मेरी माँ है, वही मेरे पिता हैं। माँ फिर भी आपने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, अपने गर्भ में रखा है। मेरा शरीर माँ आपसे बना है, हमसे कुछ मांग लीजिए और मुझे अपने ऋण से उऋण कर दीजिए। आज कर बोला दे करके जन्म हमको मैया, फिर क्यों नदिया में बहा। या
जमास तेरा हड्डियों का ढांचा कष्ट सहन कर लिया तो आखिर पैदा करने के बाद क्यों नदिया में बहा दिया, अच्छा होता मुझे मार देते। महाराज कर्ण रो रहा है। इसी बीच में कर्ण ने कहा, माँ हमसे कुछ मांग लीजिए। कुंती ने कहा, बेटा हम केवल इतना चाहते हैं कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। कर्ण बोला, माँ ये संभव नहीं है, मैंने दुर्योधन का नमक खाया है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। इतनी बात जिस समय सुनी है प्रिय भक्तों, आज उसी समय कर्ण ने पुनः कहा है, कुछ मांगो। जब तक मेरा यह जीवन है कुरुपति का साथ निभाऊंगा, हाँ माता के नाते बाकी तेरा भी कर्ज चुकाऊंगा। माँ मेरे हाथों पारथ के सिवा पांडव न पराजय पाएंगे और तेरे कुंवर फिर भी मैया पांच के पांच रह जाएंगे। अगर मैं मर भी जाता हूँ तब भी तेरे पांच के पांच बेटा है, अगर अर्जुन मर जाता है तो मैं जीवित हूँ तब भी तुम्हारे पांच के पांच बेटा रह जाएंगे, पांडव फिर भी कहे जाएंगे। महाराज याद रखिए, कर्ण ने जब ऐसा कहा है, लेकिन उसके बाद भी महाराज कुंती ने अपनी बात नहीं रखी। बार बार कर्ण कह रहा है, तब कुंती ने कहा है, बेटा हमने ये सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो। कर्ण ने कहा, माँ बहुत बड़ा दानी तो नहीं हूँ, क्योंकि एक बेटा अपने माता पिता के लिए कभी भी बहुत बड़ा दानी नहीं हो सकता है। कोशिश करूंगा, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। कुंती ने कहा, बेटा अगर आप देना चाहते हैं तो पांच बाण हमें दाना दे दीजिए जो गुरु परशुराम के आपके पास में। आज उसी समय कर्ण को धक्का सा लगा, लेकिन महाराज कर्ण ने एक बात कही, माँ ये पांच बाण नहीं है, मेरे प्राण है जो भैया अर्जुन की सुरक्षा में जा रहे हैं। और इतना कह करके कर्ण महाराज रोने लगे। कुंती पांच बाण लेकर के जब चली हैं तो कर्ण आज बैठ करके रोया है और कर्ण ने कहा है, वारे प्रभु हमें नहीं पता कि पांडव मेरे भाई हैं, मेरी माता मुझे बता रही है कि पांडव मेरे भैया हैं। पांच बाण लेकर के कुंती जिस समय चली है तो लिखा है, हो गया शर्म से सिर नीचा कुंती महलन से आई रे। धीरे धीरे चली नजर ऊपर को नाई उठाई पूरो होई न मेरो जग में हो।
के बाद कड़ रोया है महाराज। इधर कुंती 5 वर लेकर के आती है। अगले दिन युद्ध होता है, युद्ध भयंकर हो रहा था, कर्ण और अर्जुन में युद्ध हो रहा है। कर्ण जानता है कि अर्जुन मेरा भाई है। युद्ध जिस समय हो रहा था, कर्ण का रथ का पहिया जिस समय जमीन में धसा, पहले तो सारथी ने निकालने की कोशिश की, जब रथ का पहिया नहीं निकला तब कर्ण ने स्वयं ही धनुष बाण रख करके उस रथ के पहिए को निकालने की कोशिश की। तब कृष्ण बोले हैं, अर्जुन बाण मारो। अर्जुन बोले, प्रभु ये तो गलत होगा, ये युद्ध नीति नहीं कहती है कि निहत्थे पर बाण चलाया जाए। कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन हमें मत सिखाओ कि क्या युद्ध नीति है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। मैंने जैसा कहा वैसा करो। अगर आज तुमने कर्ण को नहीं मार पाया तो तुम फिर कभी कर्ण को नहीं मार पाओगे। इसके बाद में महाराज आज युद्ध होता है। कर्ण को बाण जब अर्जुन के लगे हैं, आज कर्ण गिर गया। कर्ण ने एक बात कह दी है कि प्रभु तुमने गलत किया, अधर्म करवा दिया। तब भगवान कृष्ण एक बात बोले हैं, आई तो याद धर्म की, अंत समय पर आई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। महाराज अगले दिन